रतलाम में प्रशासन ने निजी स्कूलों पर छापा मारा। डेलनपुर स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को बड़े पैमाने पर कॉपी किताब सहित स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री मिली, जो मनमाने दामों पर स्कूल स्टूडेंट्स को बेच रहा था। एक पालक की शिकायत पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। प्रशासन का अमला रविवार सुबह स्कूल पहुंचा, जहां अलग अलग कमरों में रखी गई सामग्री को जब्त कर उनकी गणना की जा रही है। नियमों के मुताबिक कोई भी स्कूल बिना विक्रय लाइसेंस किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं कर सकता। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन धड़ल्ले से मनमाने दामों पर बच्चों को स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब सहित दूसरे सामग्री बेच रहा था, जहां तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने चैतन्य टेक्नो स्कूल में छापामारी कर बड़ी मात्रा में स्कूल द्वारा पालकों को मनमाने दामों में बेची जा रही किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म जब्त की हैं। चेतन टेक्नो स्कूल जो डेलनपुर ग्राम में स्थित है, इस पर हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस स्कूल में जो है स्कूल ड्रेसेज और किताबों का वितरण स्कूल के माध्यम से ही किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में ये चीज़ स्पष्ट निर्देश है कि भैया स्कूल जो भी स्कूल ड्रेसेज और किताबें वगैरह है वो खुले मार्केट में, खुले बाज़ार में जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनको भी सही रेट वगैरह प्राप्त हो सके। परंतु ये देखने में आ रहा था कि कुछ स्कूल जो हैं अपने परिसर से ही स्कूल ड्रेसेस और किताबों का वितरण कर रहे थे। आज हम लोग को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि इस डेलनपुर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के द्वारा जो है अपने स्कूल परिसर के अंदर ही ड्रेसेस और किताबों का संग्रहण किया जा रहा है, और संभवतः इसको बच्चों को बेचने की भी तैयारी थी इनको, इस ड्रेस वगैरह को, तो जिसके चलते हमको तत्काल सूचना प्राप्त हुई और मौके पर हम लोग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। चैतन्य जो है टेक्नो स्कूल अंदर जो है एक शिकायत प्राप्त हुई थी, यहाँ पर सामग्री जो है पठन पाठन सामग्री और यूनिफॉर्म्स वगैरह बिक्री का काम चल रहा है। तो संडे के दिन आज जो है अचानक जब इसको चेक किया गया, उसमें तीन चार चार कमरों में लगभग जो है विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म्स वगैरह जो है पाई गई है। और इसके संबंध में हमने इनके प्रिंसिपल से भी चर्चा करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक उनका फ़ोन रिसीव हुआ नहीं है और फ़ोन पर वो बात नहीं हुई। तो इसमें इनका पंचनामा बना करके और आगामी कार्रवाई करने साहब को प्रस्तुत करेंगे, जिससे आगामी जो भी दंड वगैरह